तो दोस्तों मैं इस समय पुष्कर में हूँ और घड़ी में बज गए हैं 8:30 और मैं निकलने जा रहा हूँ मेला ग्राउंड। वहाँ पे काफ़ी आज अच्छे अच्छे प्रोग्राम है तो मैं वो प्रोग्राम आपके लिए कवर करूँगा राइडर ऑफ काशी चैनल पे। तो बने रही राइडर ऑफ काशी चैनल पे। ये पीछे मेरा होटल है, यहाँ पे मैंने अपना रूम बुक कराया था। मैं आपको दिखाता हूँ होटल का नाम, ये होटल है हरी ओम साई। यहाँ पे ठहरने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है तो मैंने यहीं पे रुका आके अजमेर से सीधा। और ये रास्ता सीधा जो जा रहा है ये आपको मेले ग्राउंड में ले जाएगा, तो मैं मेले ग्राउंड में जा रहा हूँ और वहाँ देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो बने रहिए राइडर ऑफ काशी पे। तो दोस्तों मैं आपको एक ये कैमल आर्ट दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें एक कैमल और कैमल का जो है बच्चा है, जो कि पशुपालन विभाग राजस्थान के लोगों के द्वारा निर्मित है। काफ़ी अच्छा सैंड आर्ट का नमूना पेश किया गया है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान में जो है आपका ऊँट काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसकी आंखें देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं और साथ में इसका जो बेबी है, बच्चा है, वो भी कितना प्यारा है। ऐसे ही मैं आपको कई आर्ट अभी दिखाने वाला हूँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये भैया यहाँ पे इसको देखते हैं और इसकी देख रेख कर रहे हैं भैया, और एक भैया ये भी है। बड़े अनुरोध करने के बाद भैया ने ये स्टॉल मेरे लिए पहले खोला है, तो मैं थैंक यू कहूँगा भैया को और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली नेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल वाले लोकेशन पे हम आ चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किल से है, और एक और ख़ास बात बताऊँ मैं आपको कि यहाँ पे अगर आप किसी राजस्थानी लेडीज़ या मूछों वाले या पगड़ी वालों की फ़ोटो खींच रहे हैं तो वो पैसे मांगते हैं, तो कमाल की बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो फाइनली दोस्तों ये मिल गया, बड़ी देर से मैं खोज रहा था। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। मैम टिकट है क्या? कितने? चल ओके। तो दोस्तों मैं अजय रावत जी के जहाँ पे ये सैंड आर्ट बना हुआ है वहाँ आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये सैंड वॉच है, 5 मिनट का है, और ये देखिए बालू कैसे जा रहा है। आइए अंदर चलते, मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। मैम को बोल रहा हूँ हाय बोलने को, मैम हाय कर रही हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इस समय मैं अजय रावत जी के नेशनल सैंड आर्ट पुष्कर मेले में आया हुआ हूँ। आप पीछे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 13 प्रकार के कलाओं को बनाया गया है, जिसमें यहाँ के राजस्थान के पूरे दृश्य को दिखाया गया है। कहीं पे एनिमल्स दिखाए गए, कहीं पे पेड़ को बचाव दिखाया गया है, कहीं पे महाराणा प्रताप का शेर, उनके तेवर दिखाए गए, कहीं पे हमारे बजरंगबली हनुमान जी, उसके अलावा गणेश जी दिखाए गए, कहीं पर पुष्कर मेला पूरा कवर किया गया। तो आइए मैं आपको इसको दिखाता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 13 ड्राइंग बनाई गई है, जो सबसे पहली मिली है मुझे श्री हनुमान जी, और ये देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर बनाया गया है। मैं आपको पास से ले जाके दिखाता हूँ ये सैंड आर्ट। हनुमान जी की मंद मंद मुस्कान देखने को मिल रही है। आइए हम अगले में चलते हैं, और अगला आप सोचो गैस करो क्या होगा। चलो गैस कर रहे थे आप, मैं ही बता देता हूँ, श्री गणेश जी। ये देखें क्या मस्त बना है दोस्तों, कितने अच्छे लग रहे हैं, और आशीर्वाद देते हुए और साथ में मोदक भी लिए हुए, आप ये देखो। वाह भाई वाह, अजय जी को तो मानना ही पड़ेगा कि अजय जी ने काफ़ी अच्छी कलाकारी बालू से दिखाई है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, और ये नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, और ये पुष्कर मेला को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आर्ट, और आप देखिए साइड में ये पहाड़ का लुक दिया गया है, और फिर इसके बाद ये सरोवर का लुक है। सरोवर के पास ये घाट बने हुए दोस्तों,
और फिर ये ऊपर मंदिर है, थोड़ा सा ये बनाया गया हुआ है। आइए आगे चलते हैं, हम आगे दिखाते हैं आपको। अगला जो है अमृत देवी, जो पेड़ को बचाने के लिए जो है अपना सर्वोच्च निछावर कर रही थी, उनके लिए बनाया गया है। तो ये पेड़ नहीं काटना है दोस्तों, क्योंकि पेड़ से हमारा जीवन चलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है और हरियाली रहती है, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी कम हो, तो पेड़ ही जो है हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, जो जलवायु परिवर्तन आप आज के समय में देख रहे हो, जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ गर्मी के दिन में ओले पड़ने शुरू हो गए, ऐसे कई एग्जाम्पल है जो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम जितना हो सके जो पेड़ हैं इनको बचाना है। अच्छा, हमको सिखा रहा है कि अर्थ को बचा सके। तो आप ये देखो यहाँ पे कितनी अच्छी कलाकारी उन्होंने दिखाई है। और इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप जी की ये कलाकारी बनाई गई है सैंड के माध्यम से। ये सैंड आर्ट जो है अजय रावत जी ने बनाया, आप देख सकते हैं क्या लुक आ रहा है, वही तेवर वही जोश राणा जी की तलवार में और राणा जी के मुख पे दिख रही है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ पानी हारण, मतलब राजस्थान में जो है पानी लेने के लिए जो है बेसिक जो साधन है वो मटका। तो ये महिला जो है अपने सर पे भी मटका और अपने कमर पे भी मटका लेके जाते हैं। और आप पास में देख सकते हैं कुआं बना हुआ है, कुएं के पास मटकी रखी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मटकी रखी है और यहाँ पे मुख पे एक भीनी भीनी मुस्कान, और ये देख सकते हैं आप। तो ये बड़ा अच्छा चित्र बनाया गया है दोस्तों। और उसके बाद एक और वीर तेजा जी, उनकी ड्राइंग बनाई गई है बालू से। तो ये सैंड आर्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये केवल आपको एक्सक्लूसिव राइडर ऑफ काशी पे मिल रहा है, जो कि पुष्कर मेला में ये है। आपको पुष्कर मेला में आकर देखना होगा, ये मेला हर साल 1 नवंबर से 8 नवंबर तक लगा रहता है। आप देख सकते हैं घोड़े की जोश, क्या गुस्से में जो है कि वो आगे निकल रहा है। तो ये कलाकारी जो है यहाँ पे दिखाई गई है बालू के माध्यम से, और ये भी एक काफ़ी अच्छा दृश्य प्रदर्शित किया गया है इस सैंड आर्ट फेस्टिवल में। ये पन्नाधाई है, इनकी कहानी भी बड़ी रोचक है दोस्तों। ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच की कहानी है, जहाँ पर पन्नाधाई ने अपने बेटे को राजकुमार की जगह पर रखकर अपने बेटे की बलि दे दी थी ताकि राजकुमार बच जाए, तो ऐसा यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं एक इको टूरिज्म जो रखा गया है, यहाँ पे मंकी है, टाइगर है, मोर है, कैमल है और हिरण है, ये सबको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और ये सारा जो है बालू से ही बनाया गया है दोस्तों, ये सैंड आर्ट है, इको टूरिज्म राजस्थान का। और ये सारे जानवर राजस्थान में अलग अलग नेशनल पार्क और जो यहाँ के आपके जंगल हैं वहाँ ये दिखते हैं। और ये देखिए रेगिस्तान का जहाज जो कि बालू से निर्मित है। इसकी खासियत यह है दोस्तों कि इसके जो पैर के पग होते हैं वो इतने मुलायम और सॉफ्ट होते हैं कि जिसकी वजह से ये बालू में जो है बड़े आसानी से चल पाते हैं, पैडेड फीट कहते हैं दोस्तों इसको। काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है दोस्तों इस सैंड आर्ट के माध्यम से आदित्य ऑर्गेनिक हर्बल ने, कि हमें आज की डेट में ऑर्गेनिक की ओर धीरे धीरे शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि हम खाद को जो है कम इस्तेमाल कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स हो गए और जो भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, अब हमें ऑर्गेनिक की ओर मूव करना चाहिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग ये कैसा लगा आपको? अगले ब्लॉग में मैं आपको मूछों का कंपटीशन और पगड़ी बांधने का कंपटीशन दिखाऊंगा, तो जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।